सो फ्रेंड्स, ये ब्लॉग जो है वो मैंने शाम को ही स्टार्ट कर दिया था। एक ब्लॉग मैं आपसे दिन में शेयर कर चुकी थी, ये उसके बाद का है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं रोज़ मैं आपके साथ में ब्लॉग शेयर करूं। कोशिश मेरी यही रहती है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि जियांस की वजह से या फिर किसी काम की वजह से मैं ब्लॉग नहीं शेयर कर पाती। बट अब मैं सोचती हूँ तो फिर लगता है कि हाँ चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं रूम में आई थी, ये मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था कि कितने सारे कपड़े जो हैं धोए हुए ऐसे ही रखे हैं। तो यहाँ पर जियांस के सबसे पहले कपड़े मैंने तय करके सारे के सारे उसकी बास्केट में लगा दिए। जियांस के पापा की पैंट हैं, जींस हैं, सबको तय करूँगी और सारे कपड़ों को अलग अलग कर लूँगी मैं, उनके अलग मेरे अलग। और उनके कपड़े कुछ ज़्यादा ही हो रहे थे, मेरे तो फिर भी कम ही थे। तो ये रजाई का कवर था, बेडशीट थी, सब कुछ धोया हुआ था, एक दिन बाद ही धो लिया था सब। और यहाँ पर उनकी जर्सियाँ हैं, सबको मैंने धो दिया था ताकि अब तो ये रखी ही जाएंगी, क्योंकि दिन में तो गर्मी लगती है, सुबह शाम की ठंड है। तो यहाँ पर सबको अच्छे से तय लगा लूँगी। और ये जियांस का कोट है यहाँ पर, ये मेरी जर्सियाँ हैं, सबको कोट को सबको तय लगा लूँगी। ये मैंने हवन में मेरा सूट पहना था, उसको मुझे एक बार वॉश करना है, ये मैंने वॉश नहीं किया था। ये सारे मैं लगाऊंगी अलमारी में। और यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, बर्तन भी मेरे दोपहर के बहुत सारे हो गए थे, मैंने साफ़ नहीं करे थे, तो बर्तन भी मैं साफ़ कर लूँगी साथ के साथ। जियांस जो है वो सो रहा है, इसलिए मैं इतना काम कर पा रही हूँ क्योंकि वो सो रहा है। और अब मैंने मुझे ना दो चार पार्सल्स भी रिसीव हुए हैं, तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। हालांकि अब तो गर्मी सी होने लग गई है, बट मैंने सर्दियों के कुछ कपड़े मंगाए हैं, तो मैं शायद उनको पहन सकूँ या नहीं, देखेंगे। तो यहाँ पर कर रही हूँ इतने सारे बर्तन साफ़। और जियांस के उठने से पहले मैं फटाफट 2x की स्पीड में यहाँ बर्तन साफ़ कर रही हूँ। काश इतनी स्पीड में मैं रियल में भी बर्तन साफ़ कर पाते जितनी स्पीड में आप लोग देख रहे हो। फटाफट सारे बर्तन साफ़ करने के बाद यहाँ पर देखना है कि खाने में क्या बनाना है, क्योंकि अभी कुछ भी डिसाइड नहीं है खाने का। जियांस के पापा जो आके खाते नहीं हैं इस वाली शिफ्ट में, तो यहाँ पर मैंने बर्तन सारे साफ़ कर लें अच्छे से, किचन को भी पूरा साफ़ कर लूँगी। साथ के साथ क्लीनिंग चलती ही रहती है, बट कभी कभी होता है ना कि डीप क्लीनिंग में मैं सारा करती हूँ, तो इस तरह से मैं मार देती हूँ आसपास ये। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, ये जो व्लॉग है वो मैंने अभी स्टार्ट कर दिया। एक व्लॉग मैंने आज ही शेयर किया है आपके साथ में, तो एक और व्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ। और मेरा जियांस भी यहाँ पर उठ गया है, मैंने सिर्फ अभी कपड़े तय लगा के रखे अलमारी में। और बस हाँ बेटा, ये देखो, बस इसका मुझे यही रहता है, बस थोड़ा सा ही इसको, थोड़ी देर सोएगा और उसके बाद इसको जगना होता है, हमेशा इसका यही है, थोड़ी देर सोएगा। लाइट ऑफ कर देते हैं और इसके पास बैठना पड़ेगा। मैं सोच रही थी चाय बना लूँ, आज मेरी कमर में थोड़ा दर्द है पता नहीं क्यों। तो अभी तो ये उठ गए हैं, माश है, अभी इनको देखूँगी मैं। हाँ बेटा, मैं आ गई आपके पास ही आ गई। सो चलो थोड़ी देर बाद देखती हूँ, इसके पापा आने वाले हैं ऑफिस से, तो उसके बाद ही मेरा काम होगा, क्योंकि अब सोएगा नहीं दोबारा जहाँ तक मुझे इसका पता है, ये अब खेलेगा। और बस अभी काम मेरा थोड़ा ही हुआ है, अभी मुझे रोटियाँ बनानी थी, सब्जी मेरी दिन की रखी है आलू की, आपको पता होगा, आपने ब्लॉग देखा होगा। तो हाँ बेटा एक मिनट, चलो मैं इसको देख लूँ फिर आपसे मिलती हूँ। अभी रात हो गई है और 10 बजने वाले हैं, मैं भी अभी जियांस को सुला के आई हूँ, वो जग गया था तो अभी अभी उसे सुलाया है। और जियांस के पापा भी ऑफिस से आने वाले हैं, तो मुझे कुछ बनाना है। वैसे वो आके खाते नहीं हैं खाना, तो मुझे अपने लिए थोड़ा सा बनाना है। कभी कभी वो खा लेते हैं, कभी कभी नहीं खाते, तो थोड़ा बहुत मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास ना दिन के राइस रखे हैं बचे हुए, तो मटर भी है, गाजर भी है, हरी मिर्च भी है, तो मैं सोच रही हूँ फ्राइड राइस टाइप कुछ
बना लूँ इससे पहले कि जियांस उठ जाए, और इसके पापा के आने का भी टाइम हो गया है। तो फटाफट से मैं यहाँ पर मटर छील लेती हूँ और सामान रेडी करके, और हो सका तो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, बिकॉज पता नहीं कब वो उठ जाए और कब मेरा सारा प्लान जो है चौपट हो जाता है। जो जो मैं सोचती हूँ कि आपके साथ में शेयर करूँगी, सब कुछ बेकार हो जाता है एकदम से। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ, और एक तरफ मैंने ये लिया था, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, अब जियांस है ना, जो दूध जो पीता है ना, तो उसका पेट नहीं भर पाता, तो मैंने आज ये मंगाया है। सुबह इसके पापा लेके आए थे काऊ मिल्क, सबने बोला है इसको गाय का दूध देना शुरू करो, इसको ऊपर की चीज़ भी दिया करो, मतलब दूध दिया करो। वैसे तो ये पराठा वगैरह खा लेता है, रोटी भी खा लेता है, बट दूध वगैरह इसको मैं ही पिला रही थी अब तक, बट सबने कहा कि तुम कब तक पिलाओगी, मतलब कब तक, अपने किसान का भी हो गया जी आपको। तो इसके पापा लेके आए थे ये दूध, और इसको मैं उबालूंगी। और सिपर है मेरे पास जो मैं ख़रीद के लाई थी, बहुत सारा सामान जब मैं लाई थी प्लास्टिक का, उसमें सिपर भी था, तो उसका अब यूज़ होगा प्रॉपर इसको दूध पिलाने में। बॉटल से मुझे नहीं लगता ये पिएगा, इसको आदत नहीं थी बिल्कुल, मैंने आज तक इसको बॉटल नहीं लगाई, एक साल हो गया जियांस को, तो मैंने आज तक बॉटल नहीं लगाई, मुझे नहीं लगता वो बॉटल से पिएगा। बट मैं उसको सिपर से दूंगी, और इसको मैं जो उबालना है पानी डाल के इसमें, तो पहले देखती हूँ फ्राइड राइस तैयार, अपना सामान तैयार कर लेती, उसके बाद से। फ्रेंड्स, ये देखो मेरा थोड़ा सा ही काम रह रहा था अभी, मैं वेजिटेबल ही क्या हुआ अभी अभी बस मैं वेजिटेबल ही कट कर रही थी, सारी की सारी तीन चार हो गई हैं, तो वही सब कट कर रही थी, इतने में ये रोने लगा अंदर से, बस मुझे जाना पड़ा। अब इसके पापा का बिल्कुल टाइम हो गया, वो आने वाले हैं 2-4 मिनट बाद, तो उनको देख के फिर मैं अपने फ्राइड राइस बनाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ, मतलब ऐसे ही फ्राई करूंगी, बस देखते हैं टेस्ट कैसा आएगा उसका, बहुत दिनों बाद आज मैं ऐसे फ्राई करूंगी चावल। तो ये जियांस है जो कि इसने निनी ले लिया, अभी कम से कम 3 घंटे बाद सोएगा, देखो कितना। इस्माइल कर दो सबको, के दो इस्माइल कर दो सबको, हाँ। सो फ्रेंड्स, जियांस के पापा आ गए थे, उन्होंने जियांस को ले लिया था, दोनों अंदर मैच देख रहे हैं। मैं आ गई हूँ किचन में, यहाँ पर मैंने कर ली है फ्राइड राइस की तैयारी, तो ये सब मैंने काट के रख लिया है, गाजर है, मटर है, 3-4 हरी मिर्च है, आलू को भी मैंने पतले पतले स्लाइसेस में छोटा छोटा काट लिया है। तेल डालूंगी, सरसों का तेल मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और उसमें मैंने ये जीरा और 2-4 काली मिर्च थी वो डाल दी थी, और बाद में इसमें मैंने ना मैगी मसाला भी डाला था, वो मैंने इस वीडियो में मैं शूट नहीं कर पाई, वो मुझे अचानक से दिखा मेरी ड्रॉर में, तो मैंने वो डाल दिया, उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ गया था, बट इसमें मैं आपको दिखा नहीं पाई। प्याज डाल दूंगी, एक बड़ा प्याज मैंने कर लिया था, प्याज मुझे बहुत अच्छा लगता है खाने में, और थोड़े से कड़ी पत्ता थे ये, वो भी डाल दूंगी, और ये चावल थे मेरे इतने, जो कि मेरे और उनके लिए सफिशियंट है, क्योंकि वो तो कम ही खाएंगे। तो मैंने यहाँ पर ये हरी मिर्च जो काटी थी वो भी मैं इसमें डाल दूंगी, ये सारी वेजिटेबल्स हैं, सब कुछ मैंने छील के धो ली थी अच्छे से, और इस तरह से मैं ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे नमक भी डाल दूंगी ताकि इन्हें गलने में आसानी हो जाए। तो इसमें नमक डाल के मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सारी जो सब्जियाँ हैं पक जाएँ अच्छे से, क्योंकि मटर जो थी वो काफ़ी कच्ची थी, मोटी मोटी थी, तो मटर गलती नहीं है। यहाँ पे मैंने आलू को चेक कर लिया था, अच्छे से गल गया था, और गाजर भी अच्छे से। तो अब इसमें मैं ये मसाले डाल दूंगी, कुछ भी स्पेशल मसाला नहीं है, सारे जो भी हम रेगुलर यूज़ करते हैं ना वही हैं, लाल मिर्च है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, धनिया डाला है, और नमक, बाद में मैंने मैगी मसाला डाला था वो मैं आपको दिखाना भूल गई थी। बस इसमें ये चावल डाल दूंगी और इनको अच्छे से मैं मिक्स कर लूंगी, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आया था, क्योंकि हेल्दी भी हो गया था एक तरह से, इसमें वेजिटेबल्स भी थी, लेस ऑयल में भी बनाया है, इतना तेल भी नहीं था इसमें, और चावलों का भी अच्छा यूज़ हो गया था, नहीं तो ये चावल जो है किस कैम, मुझे इसके लिए कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह कुछ बनानी पड़ती। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जितने देखने में अच्छे हैं उतने ही ये खाने में भी टेस्टी लग रहे थे। सो फ्रेंड्स, मेरे ये फ्राइड राइस बन करके तैयार हो गए हैं, बस इसको थोड़ी सी तेज आंच पे मैं थोड़ी देर भून लूँगी ताकि अच्छे से। ये मेरे फ्राइड राइस बन करके बिल्कुल तैयार हो गए हैं, बस अब मुझे कॉफ़ी बनानी है, और मैंने साथ के साथ ही रोटियां भी बना ली थी, दिन की सब्जी रखी आलू की थोड़ी सी, चावल और रोटी, और बस डन डिनर। तो
जांस के पापा अंदर हैं, मैच देख रहे हैं, मैच चल रहा है, और बस डिनर करके सोने जाएंगे। सुबह आपसे मिलती हूँ मैं, बाय बाय। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं अभी 8, और बस अभी अभी मैं उठी हूँ, जा रही हूँ बाहर फ्रेश होने के लिए। फिर चाय मैं बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाना है आज खाने में। तो चलो, सो फ्रेंड्स, ये है मेरा सुबह का नाश्ता। चाय बनाई है मैंने अपने लिए, जैंस के पापा के लिए कॉफ़ी बना दी थी, और ये रात के थोड़े से राइस बचे थे तो वो ले लिए मैंने, उनको गर्म कर लिया। और ये 2-4 मट्ठी ले लूँगी मैं यहाँ पे, और बस ये हो जाएगा मेरा हल्का फुल्का सा नाश्ता। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा नाश्ता, और ये व्लॉग मैं हैप्पी एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर, चैनल को मैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।